गुड मॉर्निंग। आज है 20 नवंबर 2019। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। साथ में आपको बताएंगे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो कि विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहला प्रश्न है, मत्स्य विभाग द्वारा पहली बार राष्ट्रीय स्तर की एंगलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है, इसका आयोजन किया जा रहा है गोविंद सागर झील तथा कोल डैम में। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 9 से 14 दिसंबर तक कहाँ पर आयोजित होगा। तो इसका सही उत्तर है धर्मशाला। और आपसे प्रश्न इस तरह पूछा जाता है कि कई बार यहाँ पर धर्मशाला नहीं लिखा होगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तपोवन। तो आपने याद रखना है तपोवन नामक जो स्थान है वो कहाँ पे पड़ता है, धर्मशाला में पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र होता है उसका आयोजन कहाँ पे होता है, तपोवन धर्मशाला में होता है, जिला कांगड़ा में। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो विधानसभा के वो तीन सत्र होते हैं, एक होता है शीतकालीन सत्र जो कि तपोवन में आयोजित हो रहा है, दूसरा होता है ग्रीष्मकालीन, ठीक है, एक होता है मानसून सत्र। तो ये तीन सत्रों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इस बार का जो सत्र है वो तपोवन में आयोजित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश गोवन संरक्षण व संवर्धन अधिनियम 2018 कब लागू किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है, इसे लागू किया जाएगा 1 दिसंबर 2019 से, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इज, हिमाचल प्रदेश सरकार 27 दिसंबर 2019 को अपने कार्यकाल के 2 वर्ष का आयोजन कहाँ पर आयोजित करेगी। देखिए, प्रदेश में बने हुए भाजपा की सरकार को 2 वर्ष हो जाएंगे, जिसके मुख्यमंत्री है मंडी जिला से पहली बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जयराम ठाकुर जी। तो यहाँ पे 27 दिसंबर को उन्होंने ओथ लिया था रिज मैदान शिमला में, और 1 साल का जश्न मनाया था धर्मशाला में, लेकिन जो सेकंड ईयर की सेलिब्रेशन है इसका आयोजन किया जा रहा है रिज मैदान शिमला में। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली। हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है जनवरी से सितंबर तक के अति महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि सिंगल लाइनर में है, और उसके साथ में आपको जिस्ट ऑफ टॉप क्लास इंडियन मैगजीन भी उपलब्ध करवाया जाता है। इन करंट अफेयर्स के अध्ययन के बाद आप किसी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी नज़दीक पहुँच सकते हैं। तो फटाफट जाइए हमारी वेबसाइट elastedico.in पर। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में भारत के 47th प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, इनका नंबर आपने याद रखना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के 47th नंबर के जो चीफ जस्टिस बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है न्यायाधीश शरद अरविंद बेबड़े। ये प्रश्न आपको इस तरह से मिल सकता है, SR बेबड़े भी लिखा हुआ है बहुत सी जगह पे, तो आप इसको भी अच्छे अपने दिमाग में बैठा लें। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूर्व न्यायाधीश या रक्षा मंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाता है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े का कार्यकाल कितने महीने का होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनका कार्यकाल रहेगा करीब 17 महीने तक के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, यानी इनकी जो रिटायरमेंट होगी वो नेक्स्ट ईयर 2021 में होगी। हाल ही में श्रीलंका के 7वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पिछले कल भी हमने पढ़ा था कि जो श्रीलंका के ऐसे राष्ट्रपति है जो कि चाइना को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पिछले कल भी आप लोगों को बताया था इनका नाम, लेकिन पिछले कल हमें एक चीज़ पता नहीं थी कि इनका नंबर कौन सा है। तो ये 7th नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के बने हैं, श्रीलंका के बने हैं। इनका नाम क्या है, गोतबाया राजपक्षे। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा 600 किलोमीटर मारक क्षमता वाली किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, तो इसका नाम है साहिन बन। नेक्स्ट इज, हाल ही में भारतीय संसद के किस सदन का 250वां सत्र आयोजित किया गया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, विधानसभा तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संसद के 2 सदन है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन भी कट हो जाती है, इनका तो मुझे मतलब ही नहीं रहता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें जो 250वां सत्र आयोजित किया गया वो सही उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा का 200वां सत्र कब आयोजित किया गया? देखिए इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपने याद रखना है जो राज्यसभा का 200वां सत्र था, आई थिंक ये 2003 में इसका आयोजन किया गया था। यदि मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बता सकते हो। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो स्टैंड इसका सही उत्तर हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 19 नवंबर पे, आपने सुना होगा इंटरनेशनल फीमेल वुमेन डे। वुमेन डे मनाया जाता है 7 मार्च को, माफ कीजिएगा 7 नहीं आई थिंक 8 मार्च है, ठीक है? तो इसको भी आपने याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2016 में किसान आत्महत्या से जुड़े आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि वर्ष 2016 में किसानों ने लगभग 11,370 किसानों ने आत्महत्या की है। अब आपको ये प्रश्न आपके ध्यान में आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो किसानों की हत्या हुई है, किसानों ने आत्महत्या की है, वो किस राज्य में की है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। देखिए किसानों की हालत अच्छी नहीं है, सरकार के जो आंकड़े उसके आधार पर कहा जा सकता है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी मंथली मैगजीन है जस्ट 49 रुपीज़ में, इसका भी आप लोग लाभ उठाएं, हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसके अलावा विभिन्न तरह की परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इनसे यदि आप तैयारी करते हैं तो विभिन्न तरह की परीक्षाओं में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, तो यदि आपने रिपीट क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे तो आपको मेरिट में अच्छा स्थान मिल सकता है और आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई ओल्ड क्वेश्चन पेपर जिसमें डिस्क्रिप्शन भी डाली गई है, इसका लाभ उठाने के लिए आप विजिट करें elastudyco.in। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलेस्टेड यूट्यूब चैनल।